अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नानीस वर्ल्ड। चार छोड़ी थी मैंने, दो तेज़ कराई थी, 10-15 दिन से वेट कर रहे थे, आज वो दिख गया। ये छुरी की थोड़ी पॉइंट हमने राउंड कराई है, बहुत पॉइंटेड थी, एकदम अजीब डर लगता था। ये दोनों छुरी तेज़ हो गई हैं, 20 रुपये लिया बेचारे ने, ज़्यादा है। तो आज हमने घर में खाना नहीं बनाया है, वहाँ पे सिर्फ फ़िश का ही मिलता है, सब सी फूड ही मिलता है वहाँ पे। थाली लो, चाहे झींगा है, पापलेट है, सुरमई है, मतलब कोई भी फ़िश का थाली भी मिलता है, ऐसे भी ऑर्डर करो तो मिलता है। तो फिर ये बोले आज चलो वहाँ खाना हम लोग जाके खाएंगे। इसमें बच्चा है, थोड़ा और दे दूँ क्या करेंगे। पानी भी अभी चेंज कर रहा, भरा वो क्या होता है कौवा, पता नहीं क्या मटन क्या क्या लाता है, मुर्गी उर्गी के टांग वांग इसी में डिबो देता है तो सब ख़राब हो जाता है। तो अभी पानी भी चेंज किया हमने, सब झाड़ में पानी डाला है। बहुत ही अच्छा लगता है इनको, जब जानवर बेचारे पेट भर के खाते हैं ना, सबसे ज़्यादा तो अपने को खुशी मिलती है। घर से ही चाय पी लिया जिन लोगों ने, घर ही 5 बजे उठ गए थे हम, लेटे भी नहीं, सिर्फ बिछौना वो धुलाई अपनी ओढ़ने वाली धुलाई का कवर सिला। फिर वॉशिंग मशीन में हमारे क्या हो गया कि वो जैसे भी कपड़े डाल के सर्फ डाल के ऑन किया, ऑटोमेटिक मशीन है तो पानी मुस्तकिल मतलब नल से भरता ही रहता था, स्टॉप नहीं होता। जैसे एक लिमिट होती है 7, 8, 9 या फुल रखो मशीन पानी का, तो पानी भरता ही रहता था और भर के बाहर पूरा बहता था, फिर हॉल वॉल तक आता था। तो आज हम लाए कारीगर, एक मैं उसके वॉशिंग मशीन ये है, तो उसको कारीगर को बुलाया तो उसने फिर बोला मोटर ख़राब हो गया, जहाँ से पानी आता है ना ऊपर मशीन के ऊपर के पोर्शन में दो मोटर रहते हैं, एक गर्म पानी का रहता है और एक ठंडे पानी का। तो जो ठंडा पानी मशीन में हम लोग यूज़ करते थे वो ख़राब हो गया, तो हमने वो बोले 350 का आएगा। हमने बेटा ऐसा करो ना, ये जो हॉट वाटर के लिए मोटर है वो उसको इसमें चेंज कर दो, उसको उधर लगा दो। तो खैर 200 रुपये उन्होंने मजदूरी ली बेचारे ने, बहुत ही अच्छा लड़का है, कभी भी पंखा है एसी है या मशीन है कुछ भी प्रॉब्लम होता है फ़ोन करो फौरन आता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गई मशीन, एक टेंशन था क्योंकि कभी ऐसा है मशीन लगा दो आप बाहर चले जाओ और ऑटोमेटिक में ऐसा रहता है धूल के सूख के निकलते हैं, तो आप बाहर भी चले जाओ तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये पानी भरता ही रहता है बहता रहता है, तो उसमें टेंशन था कि कहीं आ जा सकते नहीं थे या घर के काम में कभी लग जाओ तो पानी बह बह के जाए। और जो वार्डरूप हमने हॉल में बनाया है तो वहाँ तक पानी चला गया था, तो हम लोग फिर बहुत परेशानी थी। तो अल्लाह का शुक्र है आज बन गया, और शाम को भी 10 बजे तक दुकान बोले हैं बंद कर देंगे, 10 बजे दुकान बंद करके फिर जाएंगे हम लोग खार गए, आसिर नमाज़ पढ़ लेते हैं, टाइम भी जा रहा है। कितना बजा है टाइम घड़ी में, 5:30-6 हो रहा है। तो चलिए शाम को जब हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए तो फिर आपको थोड़ा बहुत ज़रूर बताएंगे। बंद करेंगे 15-20 मिनट, चलो 9:30 बज रहा है, आज बोल रहे हैं तुमको चलो, आज कुछ दोपहर में पहले ही बोल दिए थे ये कि कुछ खाना नहीं बनाना रात में शायद, और अभी बोल रहे हैं कि दुकान जल्दी 10 बजे बंद कर देंगे और सी फूड खिलाने ले जाएंगे। सी फूड बाइक से जाओगे? चलो फिर वहाँ पहुँचेंगे, कौन सा पापलेट झींगा बोमिल कौन सा मंगाते हैं, थाली मिलती है कि ऐसे ही ऑर्डर दें? थाली ऐसे भी हो मिलता है, ऑर्डर कर सकते हो और थाली भी मिलती है, और चावल की रोटी तो बहुत मस्त रहती है वहाँ की ना, ये तो हम लोग खाएँ ना उधर। तो आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ आज इंजॉय, बच्चे हमारे गए मीरा रोड, बताया एक वीडियो में बच्चे मीरा रोड गए हैं, कल तक आएँगे इंशाल्लाह। तो आज हम लोग अपना मियाँ बीबी दोनों आज सी फूड खा के हम लोग इंजॉय करेंगे, फिर घर आके लेटने से पहले वो मैंगो विद आइसक्रीम खाएंगे ना, बोले ना तुम तो मछली के बाद खा सकते हैं ना, 2 घंटे बाद खा सकते हैं। अच्छा चलो फिर ठीक है, आज तो बुफे लगता था जब कहाँ ताज में तो सब रहता था सी फूड, लोग सब खाते थे, फॉरेनर लोग सब, इंडियन फॉरेनर सब,
सी फूड भी खाते थे तो आइसक्रीम खाते, मगर ये बड़े बूढ़े लोग मना करते हैं कि मछली के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन उसको टाइमिंग थोड़ा देना चाहिए, दो तीन घंटे बाद खाना चाहिए, तो हम लोग का दो तीन घंटा हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। कौन सी खिलाओगे? अमूल, अमूल। तो ला के रखे हो ना घर में? हाँ तो फिर क्या, ला के दो डब्बे रखे। काटना तुम लेकिन, मैं काटूंगा नहीं। क्या आम? आम हम काट देंगे, उसमें क्या मेहनत थोड़ी कोई। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैंगो विद आइसक्रीम खिलाने का। खिलाने के बाद थैंक यू बोलूँ? अच्छा, खिलाने के बाद थैंक यू बोलूँ। अच्छा ठीक है, चलो ठीक। कल हमारा अजलान आ जाएगा तो फिर अजलान की ड्यूटी दादा की लग जाएगी, इशाबाद जाके घुमाना, फिर असिर के बाद, असिर के बाद बोलेगा मेम्मे, मोबाइल देखेगा मेम्मे, हाँ मेम्मे मेम्मे करेगा, तो फिर मंदिर ले जाते हैं, वो मंदिर में गाय पली है और वहाँ जाके दिखा के लाएंगे। घर पे आओ तो इनको जहाँ देखेगा इनको फ़ोन की तरफ इशारा करेगा मेम्मे, यानी कि एनिमल दिखाओ उसमें, और वो देखता कहाँ है, बस उनका अंगूठा पकड़ लेगा और स्वीप करता रहता है फ़ोन को, बस जहाँ बंद कर दो तो ज़ार कतार रोना। तो दादा को इतने, दादा के नखरे दादा उठाते भी हैं उसके, और दादा से वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि जो मैं कहूँगा मेरे दादा पूरा करेंगे ना। हम लोग सेकंड टाइम आए हैं महाराष्ट्र लंच होम, यहाँ 5-6 महीने पहले आए थे, आज वापस हम लोग को लेके आए हैं। वहाँ क्राउड बहुत रहता है, यहाँ देखो मिल जाए जगह तो अच्छा। हम लोग को टेबल मिल गई यहाँ पे अच्छे से। सबसे पहले झींगा फ्राई का ऑर्डर दिया इन्होंने, ग्रेवी में देखिए क्या मंगाते हैं अभी। यहाँ पे वेटरों की बहुत अच्छी सर्विस है, जो यहाँ की होस्टेस है वो लड़की है, बहुत ही अच्छी उसकी सर्विस अच्छी है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा उसकी सर्विस देख के। और वेटरों में बहुत ही मैनर से, बहुत ही अच्छे से हम लोग को सर्विस दिया खाने की उन लोग ने। ये अजलान बातें कर रहे हैं, उनके दादा अजलान से, मीरा रोड में है अजलान, क्योंकि ये बात कर रहे हैं। उनकी प्लेट लग गई है देखिए, एकदम महाराष्ट्र तरीके से प्लेट है ये। क्या बोल रहे हैं? रवा प्रॉन फ्राई है ना वो, तो वालेकुम सलाम। झींगा फ्राई खा रहे हैं सब। और फिश करी, पापलेट फिश करी का ऑर्डर दिया, आ गई है फिश करी, और 5-6 चावल की रोटी है, और बाजरी की रोटी है, और 2 बाजरी की रोटी है, चटनी बहुत टेस्टी है, तीखे हैं ज़्यादा, खट्टी है, बहुत टेस्टी चटनी है, कांदा नींबू साथ में दिया है। ये चावल की रोटी, बस बस थोड़ा ही दो कर ही दो। फिश करी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत टेस्टी है, खाना खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। चावल की रोटी तो एकदम सॉफ्ट, और बाजरी की रोटी बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक प्लेट स्टीम राइस मंगा लिया, क्योंकि रोटी से ही पेट हम लोग का भर गया है, तो स्टीम राइस से करी बहुत अच्छी लग रही है। फिश करी और राइस की रोटी बच गई है तो हम लोग पैक करा लिया। एक जवारी की रोटी ना, और करी बच गई, हमने पैक करा लिया। खाना खा के हो गया हम लोग का है ना, अब हम लोग घर जा रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, ना ज़्यादा फिश करी, ना ज़्यादा तीखी थी, ना खट्टी थी, एकदम बहुत ही टेस्टी थी। कभी भी जाइएगा आप लोग, खा घर आइए महाराष्ट्र लंच होम है, उसमें ज़रूर जाइएगा, मैं ज़रूर जाइएगा, सी फूड खाना है तो, अगर है ना महाराष्ट्र लंच होम, महाराष्ट्र लंच होम, हाँ महाराष्ट्र लंच होम, सी फूड खाना रहेगा तो ज़रूर जाके खा के आइएगा, खार घर में है ना। तो हम लोग घर पहुँच जाएंगे, बस राउंड मार लिया यहाँ, थोड़ा गाड़ी साइड में रोक के 10-15 मिनट राउंड मारा है, बस अब डायरेक्ट घर जाएंगे, वहाँ ज़रूरत नहीं राउंड मारने की। हम आ गए अपनी बिल्डिंग के नीचे, बस अभी आज का हम लोग की आउटिंग हो गई है, आज खाना पकाना नहीं था तो बहुत आराम मिली, एकदम रेस्ट किया है खूब कायदे से आज दोपहर के बाद से। चलाना मत गाड़ी, चलो जा। आई बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, अब अजलान, हानिया, अहमद कल इंशाल्लाह सब आ जाएंगे बच्चे लोग मीरा रोड से,
चलिए दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। खाना ले लो, खाना उसमें अंदर रखा है। भाई कोक नहीं पियोगे? थम्सअप ही कोक है। पेप्सी अच्छा है, थोड़ा सादा होने दो तभी पियेंगे। अब ये दवा पी लें, दवा पी लो अपनी, सादा पानी है। अहमद आया नहीं इसलिए उसका गद्दा देखिए वहाँ रखा है। अहमद कल आएगा इंशाल्लाह, रुकेगा लगता है, मुट्टू आएगा तो बोलेगा नानी मैं रुकूँगा।